कलेक्टर दतिया ने बोर्ड परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने के लिए उठाए सख्त कदम। दतिया जिले भर में बोर्ड परीक्षा के शांतिपूर्ण सफल संचालन एवं नकल रोकने हेतु दतिया कलेक्टर संदीप माकिन ने व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। कलेक्टर संदीप माकिन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजन को लेकर संपूर्ण जिले के परीक्षा केंद्रों में तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की है। बैठक में परीक्षा केंद्रों में नियुक्त सभी कलेक्टर प्रतिनिधियों और केंद्राध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शिक्षा मंडल द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बोर्ड परीक्षा से जुड़े शिक्षक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी पालन करें और परीक्षा सेंटर में समय सीमा का ध्यान रखें। साथ ही प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग नहीं होने पाए। बोर्ड परीक्षा में सभी लगन अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी ईमानदारी का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करें। शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। अड़तीस सेंटर हैं, 20 दतिया ब्लॉक के हैं, 10 सेवड़ा के, 8 भांडेर, ऐसे 38 हैं। और 38ों जगहों पे कलेक्टर प्रतिनिधि बंडल पहुंचाएंगे परीक्षाओं के जो पेपर के, वहां रहेंगे 10 बजे तक। और सभी सेंटरों के लिए मजिस्ट्रेट्स की भी हमने ड्यूटी लगाई है, जो वहां पे उपस्थित रह के या निरीक्षण करके उसमें सफल संचालन कराएंगे। और प्रयास होगा कि कोई नकल की स्थिति किसी भी प्रकार से ना बने। पुलिस व्यवस्था भी कड़ी इस बार की गई है, मेरी एसपी साहब से चर्चा भी हो गई इस विषय में। वहाँ पुलिस प्रत्येक सेंटर में 8:15 बजे तक पहुँच जाएगी, क्योंकि 8:30 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं देना है परीक्षार्थी को। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे एंट्री गेट पे कुछ फ्रिक्शन उत्पन्न हो सकता है, तो उसके लिए वहाँ पे पुलिस उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास है कि सीसीटीवी फुटेज पर भी हम कार्य करें, जो इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं।